गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज कोई दिन तो मतलब सिंपल लग रहा होगा, लेकिन आज सारा स्पेशल है क्योंकि आज विंटर ब्रेक के ना बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे, वो मैंने कंप्लीट कर दिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको अब दिखाता हूँ। देख सकते हैं कि ये इंडिया का मैप है, ये ईवीएस का है, और जिसे मैंने ही बनाया है क्योंकि मम्मा को तो नहीं पता। मेरे यहाँ पे इंडिया का मैप है ना, तो मैंने याद कर उसका बना दिया है। और ये दोनों मैप्स का है, इसमें एक क्लॉक बना ली थी। और आप इस क्लॉक को ध्यान से देखिए, आपको इसमें एक ही सुई दिख रही होगी, लेकिन मैं इसमें दो लगाई थी, यहाँ पे भी लगाई थी मैंने, लेकिन पता नहीं वो रात रात में कहाँ चली गई। हमारे यहाँ चीजें बहुत खोती हैं यार, बहुत ज्यादा खोती है, तो मिस्टीरियस क्वेश्चन लग रहा है मुझे। सारी चीजें खो जाती है, सामने सामने रखो वही गायब हो जाती है, सामने देखो हाँ वही हो जाता है। तो ये है कप जिसमें हमें सजाना था, और ईयर बड्स भी सजाना था। तो यहाँ पे फेविकॉल से लग नहीं रही थी, चिपक नहीं रही थी, इसलिए मैंने टेप में से चिपका दिया, और थोड़े स्प्रिंकल्स भी लगा देते हैं। और सबसे स्पेशल प्रोजेक्ट यहाँ पे ग्रीटिंग कार्ड है डैड का, ये सब मैंने किया है, ये मैंने किया है, मम्मा ने नहीं किया है। मेरी राइटिंग में तो आपको समझ ही आ रहा होगा, स्प्रिंकल्स भी लगाए, लेकिन मम्मा बोल रही थी इतने स्टार थोड़े ज्यादा बना दिए, और मैंने लाइन वैसे कर दिए, तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, रायता फैला सा लग रहा है। ऐसी तो बात नहीं है, सही लग रहा है। ये तो खोल के दिखाना, खोल के भी कुछ लिखा है आपने, कोई अंदर मैसेज के दिखाओ, अंदर भी कुछ बनाया है आपने या बाहर ही बाहर कर दिया? सजाया कम है, फैला फैला सा ज्यादा लग रहा है मुझे तो, लग रहा है अंदर दिखाना कुछ लिखा है। मुझे तो नहीं लगता। ओह वाह, हर सुना है मैंने, जैसे कि पता ही नहीं था। अच्छा सुनो, इसमें कोई अच्छी सी कोटेशन लिख दो। कोटेशन रुक जाओ, मुझे वो लाने दो ना, रुक जाओ पहले पॉज कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आई लव यू, वापस लिख देता हूँ। क्या कंडीशन लिखी? ये लिखी है आई लव यू पापा। पता है लव यू से पहले ना रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे नहीं नहीं लिखो नहीं, इसमें लिखो नहीं, लिखो नहीं, मैं बता रही हूँ कि हमेशा पेरेंट्स की ना रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? डन। हाँ ओके। तो गाइस आपको कैसा लगा मेरा प्रोजेक्ट? हार्ड वर्क है ये, हार्ड वर्क मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। क्लॉक भी मैंने बनाई थी, मम्मा ने तो कुछ काम ही नहीं किया है, और ये सजाया मम्मा ने। हाँ ठीक है, वैसे सॉस तो नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि मेयोनीज भी नहीं है, ब्रेड टोस्ट लाओ तो ब्रेड भी नहीं है, मेयोनीज भी नहीं है, कैसे आ गए यहाँ? तो रिलायंस जाना ही पड़ेगा। चलो ब्रेकफास्ट कर लो बेटा। सॉस भी नहीं है, मेयोनीज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सेजवान भी नहीं है, सेजवान तो छोड़ो, कुछ भी नहीं है। अब बेटा आज ऐसे खा लो, जब जो होता है ना तब वैसे ही खा लेते हैं, आप तो गुड बॉय हो। अच्छा एक बार बताओ, रोज इवनिंग में आप कहाँ जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ बताओ, रोज इवनिंग में आप कहाँ जा रहे हो बताओ ना? डेंटिस्ट के पास ही जा रहे हो? किस लिए जा रहे हो? मतलब रात को। हाँ हाँ, तो किस लिए जा रहे हो? दांत के लिए। क्यों, कैविटी है ना दांतों में? हाँ। और डॉक्टर ने क्या रीजन बताया है? कि सेजवान। मैं खाता ही नहीं हूँ। हाँ शीशियाँ भरी पड़ी है मेरी पूरी, मैं नहीं खाता, सारे मसाले सेजवान की शीशी में। अच्छा, रखे मैंने। आपने तो बोला था कि सेजवान का खत्म हो चुका है। हाँ तो अब खत्म हुआ है, अब आएगा भी नहीं, लाना अभी मत। ठीक है ओके। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सैटरडे और संडे तो लॉकडाउन होता है, ये कोरोना है ना, पहले भी कोरोना था, अभी कोरोना है, और अब पता चल रहा है कि फ्रांस से भी एक नया वेरियंट आ रहा है कोरोना का, जो भी जो कि इंडिया से कैसे ना कैसे करके पहुंच ही जाएगा। तो गाइस इन बातों को छोड़ो, एक बात बताऊं मैं आपको कि हमारे घर में अभी क्या हुआ है। देखिए ये एक तार है और एक और तार है वहां पे, तो इसमें इतने ज्यादा कपड़े आए नहीं रहते, इसलिए बंटी और मम्मा ने जुगाड़ लगा के ऊपर से एक और तार लगा दी। वाह क्या आइडिया है। हाँ गाइस, लेकिन आज सुबह बहुत
गंदा सीन हुआ है क्योंकि ना मेरी आज पीटीएम की क्लास थी वो मिस हो गई। गाइस पापा ने ना पकड़ लिया है, मतलब पढ़ाई करने के लिए मैं पढ़ाई कर चुका है लेकिन तब पापा ने तब भी पकड़ लिया। मैंने बोला पापा ने बोला कि मल्टीप्लीकेशन के साइन कर ले, मतलब सम्स कर ले, मैंने कर लिए। डिवीजन के भी बोले थे मैंने कर लिए। अब जो मल्टीप्लीकेशन के चार वाले होते हैं मैंने वो भी कर लिए। बताया कि अभी तेरे इसमें मल्टीप्लाई में तेरे कुछ क्वेश्चन गलत भी हुए, ये नहीं बताया आपने? ये तो गलत हुआ है ये वाला। हाँ तो ये गलत हुआ, एक उसके बाद जाके ठीक हुआ है। बेटा प्रैक्टिस भी करो, रेगुलर पढ़ाई करो। यहाँ पे सही तो किया मैंने सारे। चलो ठीक है करो करो अभी तो ये काम। और आपने माइनस भी किया है प्लस भी कराया है, ये काम बाद में करना। अब इसको छोड़ो पहले काम। अब पापा बोले कि काउंटिंग में कराएंगे। काउंटिंग कौन कराते फिर आपके बच्चे को? टेबल वेबल दे दो। अरे काउंटिंग करने में दिक्कत क्या, प्रैक्टिस हो जाएगी। काउंटिंग भी करेगा टेबल भी करेगा। टेबल करो सुन, टेबल ही करो। चलो पहले टेबल कर लो बाद में काउंटिंग कर लेना। गाइस मैं तो अभी सोई गया था तो, लेकिन मुझे याद है अभी कि मैंने तो आपको गुड नाइट बोला ही नहीं, तो मैं आपको गुड नाइट बोलता हूँ। साथ ही ब्लॉग को एंड करता हूँ। आई होप आपको पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस जल्दी के नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।